दोस्तों, कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। महिला की वीडियो बनाने के आरोपी फरार पुजारी मुकेश गोस्वामी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं डीसीपी विवेक चंद यादव के गंग नहर पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर लोग सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रतिबंध लगने से अब वहां पर जान नहीं जा रही है। बता दें कि करीब 1.5 माह पूर्व महिलाओं के चेंजिंग रूम में वीडियो बनाने का मामला संज्ञान में आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महन मुकेश गोस्वामी के मोबाइल को जब्त कर DVR की जांच की थी। तभी से मुकेश गोस्वामी फरार है। पुलिस ने मुकेश गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन 1.5 माह पूर्व भी मुकेश गोस्वामी आज तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। लोगों का कहना है कि गोस्वामी कहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस की टीमें लगातार दबिश कर रही हैं, लेकिन गोस्वामी को पकड़ नहीं सकी। हाल में ही कोर्ट ने मुकेश गोस्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वहीं कमिश्नर दिनेश कुमार ने पहले 25,000 का इनाम और फिर 50,000 का इनाम गोस्वामी पर घोषित किया है, लेकिन गोस्वामी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस कभी हरिद्वार, कभी प्रयागराज, कभी दिल्ली, नोएडा, जगह जगह दबिश कर रही है, लेकिन गोस्वामी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रही है। वहीं गंग नहर पर प्रतिबंध लगने से वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, नहीं शराब पीकर वहाँ उड़दंग मचाया जा रहा है, बल्कि जो वहाँ पर जाने जा रही थी वह जान भी जानी अब बंद हो गई है। वहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहता है, लोग पूजा करते हैं और चले जाते हैं। शांति से मंदिर में पूजा भी हो रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस के प्रतिबंध से लोगों की जान बची है। वहीं लोग अब DCP के इस फैसले को सराहना करते नज़र आ रहे हैं।